फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक ही आर्टबोर्ड पर कैसे ओपन कराया जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक ही आर्टबोर्ड पर कैसे ओपन करा सकते हैं या अलग अलग टैब में डॉक्यूमेंट्स को कैसे ओपन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर फाइल में, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है न्यू का, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है हमें मालूम है। लेकिन अगर किसी इमेज को ओपन कराना है या किसी फाइल को ओपन कराना है जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में मौजूद है, उसको ओपन कराने के लिए इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ओ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्यूटर के अंदर लेकर जाएगा और वहाँ लेकर जाएगा जहाँ पर फाइल मौजूद है। तो किसी भी ड्राइव में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, जैसे हमने ये इस इमेज को ओपन कराया यहाँ से। ओके, अब उसके बाद इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे एक और इमेज ओपन कराना है, यानी अलग टैब ओपन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग फिर से फाइल में जाएंगे और इस बार हम लोग यहाँ पर ओपन में नहीं जाकर यहाँ पर जाएंगे, प्लेस एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि किसी इस डॉक्यूमेंट को मुझे ओपन कराना है तो मैं इस पर प्लेस कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप यस कर लेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि जब हमने इस डॉक्यूमेंट को ओपन कराया तो इसके लेयर को आप देखेंगे तो ये कंप्लीट तौर पे रास्टराइज लेयर है। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट मैं इस तरह से ओपन कराऊँ वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ओपन हो, तो उसके लिए एक सेटिंग करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। आप आ जाएँ एडिट में, यहाँ से आप आ जाएँ प्रेफरेंसेज में, और प्रेफरेंसेज के अंदर आप आ जाएँ यहाँ से जनरल सेटिंग पर, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होगा प्लेस और ड्रैग रास्टर इमेजेस एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस पर आप चेक कर दें और ओके कर दें। अब देखिए अगर हम लोग कोई फाइल यहाँ से ओपन कराते हैं, प्लेस करते हैं, इस फाइल को मैं ओपन कराता हूँ और देखिए क्या होता है। यहाँ से जैसे ही यस करेंगे ये लेयर हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से एक ट्रिक और बताता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ से हम लोग फाइल में जाते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं, जैसे एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मेरा ओपन किया हुआ है, अब दूसरा डॉक्यूमेंट मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, तो देखिए ये अलग टैब में ओपन हो जाएगा। ये एक फर्स्ट टैग था और ये सेकेंड टैब में यहाँ से ओपन हुआ, यानी सेकेंड आर्टबोर्ड मेरा बन गया ये। अब उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो इस तरह से जो टैब में ओपन हो रहा है वो टैब में ना ओपन हो करके एक कंप्लीट तौर पर फाइल ओपन हो जो फोटोशॉप की अलग फाइल ही हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें करना है कि ये टैब में ओपन ना हो करके अलग से सेपरेटली ओपन हो, यानी कि इस इंटरफेस में ओपन ना हो करके वो अलग इंटरफेस में ओपन हो। उसके लिए हम लोग एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेज में जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले जनरल सेटिंग के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन होगा इंटरफेस का, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ओपन डॉक्यूमेंट्स एज टैब्स, इसको आप बंद कर देंगे तो जब भी आप किसी फाइल को यहाँ से ओपन कराएंगे। अब मैं यहाँ से ओपन कराता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कराना चाहता हूँ, तो देखिए जैसे क्लिक करेंगे ये अलग से इंटरफेस में ओपन होगा, ये अलग टैब इसके साथ ओपन नहीं हुआ बल्कि ये सेपरेट ओपन हुआ है। अब इसको जैसे करना चाहते हैं एडिट, आप यहाँ पर डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। इसको छोटा या बड़ा भी करना है तो आप यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इस पर डबल क्लिक करके अलग से आप इस पर काम कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ कट करना है, एडिट करना है, कुछ भी करना है तो आप इस पर अलग से एडिट करेंगे और फिर इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट को ऐसे भी ओपन कराते हैं। अब यहाँ से एक दो ट्रिक आप लोगों को और बताता हूँ कि फाइल कैसे ओपन करना चाहिए। उसके लिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो इस डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और यहाँ से डायरेक्टली आप उस सॉफ्टवेयर पे ओपन कराना चाहते हैं, तो एक तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन विद फोटोशॉप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ऐसे क्लिक कर दिया, ये ओपन हो गया। लेकिन मुझे ऐसे ओपन नहीं कराना है तो आप क्या करेंगे, उतना प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं, इसको पकड़ कर ड्रैग करें और ला कर फोटोशॉप के अंदर अगर आप यहाँ छोड़ेंगे तो इसी आर्टबोर्ड पर या इसी डॉक्यूमेंट पर ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग टैब में ही ओपन कराएं तो उसके लिए आप इसको पकड़ कर ड्रैग करेंगे, ऐसे लेकर आएंगे और इस टैब के ऊपर ये ब्लैक वाली जो लाइन है इस पर अगर आप लाकर छोड़ेंगे तो ये अलग टैब में ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो ये चार पांच तरीके थे फाइल को ओपन कराने का। इस तरीके से आप किसी भी फाइल को, मल्टीपल फाइल्स को ओपन करा सकते हैं।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि फाइल ओपन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।